आपने स्प्रिंग रोल्स घर पर बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, पर आज मैं आपको दूंगी इसको बनाने की सबसे आसान रेसिपी, जिसको मैं भी बहुत सालों से बनाती चली आ रही हूँ। मुझे ये रेसिपी इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि हमें इसमें शीट्स को अलग से कुक नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्टली स्प्रिंग रोल्स एक बार में ही बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है एक बोल में 1.5 कप मैदा, इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, करीब 1 टेबलस्पून ऑयल। इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए तेल को मैंने बहुत अच्छे से आटे में मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, और हमें इसका हार्ड डो लगाना है। तो जैसा हम पूरी को डो लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का डो चाहिए होगा हमको। तो आज ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ स्प्रिंग रोल की, ये ट्रेडिशनल रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट है, पर मैं काफ़ी सालों से इसको ऐसे ही बनाती आ रही हूँ, और ये इक्वली टेस्टी लगते हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे इसमें पॉइंट लगता है वो ये है कि ये काफ़ी क्विक है। ये देखिए आटा गूंथ के बिल्कुल तैयार है, और ये काफ़ी हार्ड है। हम इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है। आइए इसके लिए फटाफट स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे फाइन चॉप गार्लिक, तो 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स होंगे ये। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे एकदम बारीक कटा हुआ अदरक या जिंजर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अदरक और लहसुन बहुत अच्छे से भुन गया है। हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसको हम बस हल्का सा ही सौते करेंगे। ये देखिए प्याज को बस इतना ही भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ गाजर करीब 1/2 कप, बारीक की हुई शिमला मिर्च करीब 1/2 कप, और बारीक किया हुआ पत्ता गोभी करीब 1/2 कप। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसको फुल फ्लेम पे करीब 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए सब्जियां हमारी कुक हो गई हैं, बस इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें इन्हें क्रंची ही रखना है। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 2 कप बॉयल किए हुए नूडल्स। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस। तो ये डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ, अगर आप लाइट वाला डालें तो कम से कम 2 टीस्पून डालें। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे करीब 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस अब हम इनको फुल फ्लेम पे करीब 1 मिनट तक भूनेंगे, और हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आज मैं इसमें नूडल्स की स्टफिंग डाल रही हूँ। अगर आप नूडल्स की स्टफिंग ना डालना चाहें तो आप सिर्फ वेजिटेबल्स की स्टफिंग भी कर सकते हैं, बस वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ा लें, और आप इसमें और भी वेजिटेबल्स जैसे ग्रीन अनियन और बीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है, हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। अब स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और आटा भी एक सा हो गया है। हम इस आटे के इतने छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, बस इस तरह के। और हम इसको इस सूखे मैदे में इस तरह से डिप कर लेंगे, और एक्स्ट्रा फ्लावर जो है वो निकाल दें आप। इसको हमें एक पतला सर्कल बेलना है, तो ध्यान रखिएगा काफ़ी पतला बेलता है ये, अगर आप मोटा बेलेंगे तो स्प्रिंग रोल जो है वो ठीक नहीं बनेगा। तो ये देखिए मैंने इसको काफ़ी पतला बेला है, अब देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट लग रहा है ये। अब हम इसमें स्टफिंग रख देंगे। तो स्टफिंग को इस तरह से रखना है, और बहुत ज़्यादा ओवर स्टफ नहीं करना है, साइड में इस तरह से स्टफिंग करनी है हमें। और अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके चारों तरफ लगा देंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा और फ्राई करते समय खुलेगा नहीं। अब हम इस साइड को इस तरह से उठाएंगे और स्टफिंग को कवर करेंगे, और यहाँ से भी इसको कवर कर देंगे अच्छे से, और बस इसको अब हमें टाइट रोल करना है। स्प्रिंग रोल तैयार है, तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। इनको फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गरम किया है, तो तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। और अब हम इसमें ये स्प्रिंग रोल्स डाल देंगे। तो आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई हो आप उतने स्प्रिंग रोल्स डालें इसमें। इनको थोड़ी देर सिकने देंगे, तो अभी आप इनको टच नहीं करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए थोड़े से सिक चुके हैं, हम इनको टर्न कर देंगे इस तरह से, और हमें इनको सेकना है एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक। ये देखिए स्प्रिंग रोल सिक के बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं, और बहुत ही बढ़िया कलर आया इन पे। तो इसी तरह मैं सारे स्प्रिंग रोल्स फ्राई कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्प्रिंग रोल्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको ट्राई ज़रूर करें, एंड आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।